भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष यशोदानंद वजीर की अगुवाई में डरंग विधानसभा क्षेत्र की टांडू पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने मैगल गौ सदन में सुधार करने या फिर उसे बंद करने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशोदानंद वजीर की अगुवाई में डरंग विधानसभा क्षेत्र की टांडू पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने मैगल गौ सदन में सुधार करने या फिर उसे बंद करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि जिला पशु अत्याचार निवारण समिति द्वारा मैगल में चलाए गए गौ सदन में पशुओं के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक इस गौ सदन में हर सप्ताह दर्जनों के तादाद में नई गाय लाई जाती हैं, मगर यहां गाय का पंजीकरण 135 से 140 के करीब में ही दर्शाया जाता है। साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल ने मृत्यु को दफनाने को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि गौ सदन के समीप एक गड्ढा बनाया गया है जहां मृत गाय को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में कई बीमारियां फैलने का अंदेशा हर समय बना रहता है। इस प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से इस गौ सदन की जांच कर इसमें सुधार करने की मांग की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष यशोदानंद वजीर ने एडीसी मंडी से गौ सदन का सुधार न होने की सूरत में जनहित में इसे बंद करने की मांग की है। निवेदन किया कि प्रशासन को इस पे लगाम लगानी चाहिए और वहाँ पे ठीक ढंग से रख रखाव करें, वरना जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब जन आंदोलन के लिए तैयार हैं और अगर वहाँ प्रशासन ने अभी भी कोई ठीक कार्रवाई नहीं की तो जन आंदोलन किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।